रोहतास के काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को अपने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। इस दौरान वह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे। नामांकन के बाद अब उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मैं काराकाट में सिर्फ और सिर्फ विकास करने आया हूँ। कुशवाहा ने कहा कि बहुत बहुत शुभ मुहूर्त से नामांकन हुआ है, लोगों का उत्साह देखने मिल रहा है, सभी जाति धर्म वर्ग और समुदाय के लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है, इसलिए आगे भी सब काम शुभ शुभ रहेगा। उनकी लड़ाई किससे है, इस सवाल का जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये एक तरफा लड़ाई है, इसमें कोई दूसरा एंगल है ही नहीं। मुझे यहाँ के लोगों ने वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक मौका दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। हमने भरपूर ईमानदारी से लोगों की सेवा की है, हम लोगों के साथ जनता का आशीर्वाद है। बिहार और देश के विकास के लिए जनता मतदान जरूर करेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 10 वर्षों में काम किया है, उनके काम के प्रति लोगों में आकर्षण है। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार के विकास के लिए काफ़ी काम किए हैं, उनको लेकर भी बहुत आकर्षण है, इसलिए मिला जुलाकर समाज के सभी वर्ग के लोग हमारे साथ हैं और हमारी जीत सुनिश्चित करेंगे। वहीं पवन सिंह के चुनाव लड़ने के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनसे ना तो हमें कोई असर पड़ रहा है और ना ही जनता पर कोई असर दिख रहा है, उनके चुनाव लड़ने का कहीं कोई अर्थ नजर ही नहीं आ रहा है। यदि वह भारतीय जनता पार्टी में है तो उनकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को करनी है, हम लोगों को उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। भाजपा के लोग क्या करना है क्या नहीं करना है ये खुद से तय कर लेंगे। यदि हम सांसद बनते हैं तो मेरी नज़र में सबसे पहले डालमिया नगर की परियोजनाएं हैं, इसके अलावा बहुत सारे काम हैं जो हमें करना है। विकास का काम जो पुराना बचा हुआ है उसे भी आगे बढ़ाना है और जो काम नया है उसे भी आगे बढ़ाते रहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पे लाइव पटना।